हेलो फ्रेंड्स, आपने भुजी तो बहुत खाई होगी। क्या आपने कभी मूली की भुजी खाई है? आज हम बनाएंगे मूली की भुजी, जो कि बहुत ही टेस्टी भी बनती है और हेल्दी भी होती है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने ले लिया है 3 मूली, कम से कम 1 किलो के करीब होगी। और इनके जो पत्ते होते हैं उनको अलग कर लेंगे और मूली को अलग कर लेंगे। मूली में गले हुए पत्तों को अलग कर दे और इनको यहाँ से ऐसे छील ले। छीलने के बाद इसको हम कर लेंगे कट, इनको बारीक बारीक कट कर लेंगे। ज़्यादा मोटा मोटा कट नहीं करना है। तो देखिए आप इस तरह से इनको कट कर लें और सभी मूलियों को हम इसी तरह से बारीक बारीक कट कर लेंगे। इनके पत्ते भी वेस्ट नहीं होंगे और हमारी मूली भी वेस्ट नहीं होगी। इस तरह हम इस मूली को भी छील लेंगे। पत्तों को कट करने के बाद मूली को छील लेना है। छीलने के बाद इसकी वो भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसीज में। इस तरह से हमें सभी मूलियों को काट लेना है। और देखिए ये हमारी मूली कट कर तैयार है। अब इसको हम एक साफ पानी में धो लेंगे। आप इसे करीब करीब 2 बार धो लें ताकि इसकी मिट्टी निकल जाए। धोने से क्या है, इसमें जो मिट्टी लगी होती है ना मूली में, वो नीचे बैठ जाएगी। और आप इसे एक बार दोनों हाथों में रगड़ करके इसको अच्छे से धो लें ताकि इसमें मिट्टी ना रहे। अब इसको हम ले लेंगे एक कुकर और उसमें डालेंगे 2 गिलास पानी, और जो हमने मूली को धोया था ना वो इसमें डाल देंगे। इसमें डालने के बाद हम इसमें लगवा लेंगे 2 सीटी, 2 लगवा लेंगे और 1 भरवा लेंगे। इससे हमारी मूली अच्छे से उबल जाएगी। तो देखिए ये हमने इसमें 2 सीटी लगवा ली है। ये चेक कर लेते हैं गली है या नहीं। ये देखिए हमारी मूली गलकर तैयार है। अब इसको हम एक छलनी में निकाल कर इसका गर्म पानी निकाल देंगे और इस पर थोड़ा सा पानी ठंडा डाल करके इसको ठंडा कर लेंगे। ये मुझे अभी और गर्म लग रही है तो मैं इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी और डालूँगी, डाल करके बिल्कुल ठंडी कर लूँगी। अब इसको हम दोनों हाथों में रख करके अच्छे से टाइट सा निचोड़ लेंगे। इसमें सारा पानी निकाल देंगे, थोड़ा भी पानी नहीं रहना चाहिए। इसी तरह हम सारी मूली को निचोड़ करके एक बर्तन में रख लेंगे। तो देखिए ये हमने सारी निचोड़ ली है। अब ले लेंगे एक कढ़ाई, उसमें 2 चम्मच डालेंगे सरसों का तेल और 1/2 चम्मच डालेंगे जीरा दाना और थोड़ी सी 1/2 चम्मच डालेंगे इसमें अजवाइन। अजवाइन को हम थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे ताकि इसका स्वाद अच्छा सा आए। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग, चुटकी भर डालेंगे हींग और 2 डालेंगे लाल मिर्च। और जो हमने 2-3 टमाटर काट करके रखे थे अब वो ऐड कर देंगे। डालने के बाद इसको अच्छे से चला लेंगे और हम सभी मसाले ऐड कर देंगे। 1/2 चम्मच डालेंगे इसमें नमक, 1/2 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च, 1/2 चम्मच डालेंगे सूखा धनिया, 1/2 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे इसमें काला नमक। नमक हमने पहले भी डाल दिया था इसलिए काला नमक थोड़ा सा डालेंगे स्वाद के लिए। और अब इसको ढक करके 5 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला अब इस तरह से तैयार कर लेंगे। और अब जो हमने मूली को उबाला था ना वो इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर। आपके पास अमचूर पाउडर ना हो तो आप इसमें नींबू का रस भी निचोड़ सकते हैं, लेकिन जब तक इसमें कोई खट्टापन नहीं डलेगा ना तो हमारी भुजी का टेस्ट नहीं आएगा। तो आप अमचूर पाउडर या नींबू का रस जरूर डालें, इसी से हमारी मूली की भुजी बनेगी टेस्टी सी और लाजवाब सी। तो देखिए इस तरह से बनकर तैयार है हमारी मूली की भुजी। अब हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो आप भी इस वीडियो को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएगी। और ये अन्नकूटों के लिए बनाई जाती है, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगती है। आप भी, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे।